हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पंडित जी। तो दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम पर अपने रील वीडियो अपलोड करते हैं और ऐसे में आपको जो है 1000, 2000 या 5000 से ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या प्रॉब्लम आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका वीडियो पर व्यू क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या होता है, जो आप इंस्टाग्राम में अपने 100 से 200 वीडियो भी अपलोड कर चुके होंगे, पर आपके वीडियो पर जो है कोई भी व्यू नहीं आ रहा है और ना ही आप इंस्टाग्राम से कभी अर्निंग कर पा रहे हैं। तो आप सोचते होंगे कि हम इंस्टाग्राम से कब अर्निंग करेंगे, तो ऐसे में आप इंस्टाग्राम से अर्निंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वह सिर्फ पर्सनल है, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए है। इसीलिए आपके अकाउंट पर ज़्यादा लोग रीच नहीं कर पाते हैं, ना ही ज़्यादा लोग आपके वीडियोज़ को देख पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना होगा। तो ऐसे में आप जो है पर्सनल अकाउंट से इंस्टाग्राम पर कभी भी बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा सकते हैं और ना ही आपके ज़्यादा फॉलोअर बढ़ पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपके पर्सनल अकाउंट को स्विच करना है प्रोफेशनल अकाउंट में। तो हम बताते हैं कि प्रोफेशनल अकाउंट का मतलब क्या होता है और प्रोफेशनल अकाउंट के फ़ायदे क्या हैं। तो प्रोफेशनल अकाउंट का मतलब ये है कि आप इंस्टाग्राम पर एज अ क्रिएटर की तरह काम करेंगे और इंस्टाग्राम पर जो भी आप रील या वीडियो अपलोड करेंगे वह इंस्टाग्राम खुद लोगों तक पहुंचाएगा, यानी कि जो आपका जो है वीडियो रहेगा वो सभी लोग जाकर रीच कर पाएंगे और साथ ही साथ जो है आपका जो प्रोफाइल है उस पर बहुत से लोगों को सजेशन में जाएगा आपका प्रोफाइल, ताकि सभी लोग फॉलो कर पाएंगे और जो है ऐसे में आपका जो है रीच भी बढ़ेगा और आपके वीडियोस पर व्यू भी काफ़ी आएंगे। और इसके बाद आप फ्यूचर में अर्निंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम से, क्योंकि आपने जितने भी रील स्टार देखे होंगे वह सभी लोग प्रोफेशनल अकाउंट ही यूज़ करते हैं, तभी वो लोगों का वीडियो थोड़ा वायरल होने का चांस बढ़ जाता है। और ऐसे में आप पर्सनल अकाउंट पर ही मेहनत करते जा रहे हैं पर आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, उसके बाद आपको निराश होकर छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद अपने पर्सनल अकाउंट को एक बार जो है प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करिए और उसके बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके व्यूज और आपके जो है वीडियो पर फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको क्या करना है, प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करने के लिए जो है कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो आपका पुराना अकाउंट है वही स्विच हो जाएगा प्रोफेशनल अकाउंट में मात्र 5 स्टेप में। और प्रोफेशनल अकाउंट से बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे, क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंट से आपके जो इंस्टाग्राम आईडी पर बहुत सारे फीचर आ जाएंगे और उससे आप जो है देख सकते हैं कि आपके वीडियो पर यानी कि कितने लोगों ने, जो नॉन फॉलोवर हैं उन्होंने कितना देखा, आपके फॉलोवर लोगों ने कितना आपका वीडियो देखा। और साथ ही साथ उसके अंदर आपको ये भी फीचर मिल जाएगा कि आपका जो चैनल, आपका जो आईडी है उस पर जो है कितने लोगों ने, मतलब जो है लास्ट 30 डेज में जो है कितने फॉलोवर आपने गेन किए, ऐसे मतलब बहुत सारे एडवांस फीचर मिल जाएंगे आपको जो है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए हम जानते हैं किस तरह आपको पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना है मात्र 5 स्टेप में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं किस तरह आपको अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं और इसके बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में चले आना है और यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको गेट प्रोफेशनल टूल दिखाई देगा, आपको इसको इस तरह स्लाइड करना है और यहाँ पर रीच पीपल होगा और उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप अपने आईडी का कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह आप अपना वीडियो बनाते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप जो है इसको सर्च करके भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं वीडियो क्रिएटर सर्च कर लेता हूं और उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर टिक कर देना है और यहां पर आप जो है अपने डिस्प्ले पर यानी कि प्रोफाइल पर जो है आप चाहते हैं कि दिखाई दे तो इसको ऑन कर देना है और इसके बाद नीचे से आपको डन पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम डन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीचे 30 सेकेंड मिनिमम टाइम दिखाई दे रहा होगा, उससे पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा आपको क्रिएटर का और बिजनेस का। अगर आप सिंगल पर्सन हैं, आप अकेले ही काम करते हैं तो एज अ क्रिएटर सेलेक्ट करिए। अगर आपका कोई बिजनेस है जैसे कि कोई ब्रांड है या फिर जो है आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर आप कोई ग्रुप में काम करते हैं बिजनेस रिलेटेड, तो आपको बिजनेस सेलेक्ट करना है।
तो अभी हम सिंगल ही काम करते हैं तो हम क्रिएटर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 स्टेप आपको दिखाई देंगे। तो मेरा एक स्टेप पहले से ही कंप्लीट हो चुका है, तो मैं स्क्रॉल डाउन नीचे करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो है प्रोफाइल पिक्चर और आपका बायो ये सब लिखना रहेगा। तो अगर नहीं लिखे रहेंगे आपने तो यहाँ पर लिख देना, उसके बाद आपको इसको डन कर देना है। तो आपका ये पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। और गेट इंस्पायर्ड दूसरा फीचर है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो किसी रील स्टार से आप इंस्पायर है तो उसको फॉलो करके यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो मैंने किसी भी रील स्टार से फॉलो नहीं है तो मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट टिक कर देंगे तो भी हो जाएगा ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट। इसके बाद आपको ग्रो योर ऑडियंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो है अपने लिंक को शेयर करना होगा। जैसे मैं इन्वाइट बाय फ्रेंड यानी कि व्हाट्सएप से अपने लिंक को शेयर करता हूँ, किसी भी अपने एक दोस्त को शेयर कर दीजिए। उसके बाद आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा थर्ड स्टेप भी। तभी हम वापस से अपने इंस्टाग्राम पर आ जाते हैं और इसको टिक कर देते हैं। तो इस तरह आपका ये तीसरा स्टेप भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ। तो चौथा है इंट्रोडक्शन योर सेल्फ। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने फ़ोटोज़ या वीडियोस को अपलोड करना है। तो कम से कम 3 फ़ोटो या वीडियो को अपलोड करना होगा, तो मैं 3 अपलोड कर दूंगा। तो उसके बाद आप पर देख सकते हैं इस तरह का आपको प्रोफाइल पर ऑप्शन दिखाई देगा। देख सकते हैं ऊपर 3 to 5 दिखाई देगा। आपको इस पर वापस से चले आना है क्योंकि मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो लास्ट ऑप्शन है एक्सप्लोर का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस ऊपर आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ऊपर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे क्योंकि आपका वीडियो का इनसाइट और एड्स दिखाई देंगे। तो आपको इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये चौथा स्टेप भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद जब अपने प्रोफाइल पर आएंगे तो यहाँ पर आपके 5 कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। ये मैं 3 से 4 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 503 लोग मेरे अकाउंट पर रीच हुए हैं, जो देख सकते हैं लास्ट 30 डेज के अंदर। तो इस तरह आपको ये भी फीचर मिल जाता है और भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं। चलिए मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं इस तरह का आपको फीचर मिलेगा और हम अपने बैक ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मेरे रील, किसी भी रील को मैं ले लेता हूँ। तो जैसे रील पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं व्यू इनसाइट। तो यहाँ पर आपको एक और फीचर मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो को कितने लोगों ने देखा, देख सकते हैं 628 लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने लाइक किया और कितने लोगों ने आपके फॉलोवर थे और कितने नॉन फॉलोवर, देख सकते हैं यहाँ पर 423 लोग नॉन फॉलोवर हैं, यानी कि मेरे वीडियो पर व्यू आ रहे हैं जो नॉन फॉलोवर लोगों का रीच बढ़ रहा है। तो इस तरह आप ये भी देख सकते हैं कि आपका वीडियो का इनसाइट कितना है। तो अब चलते हैं सबसे मेन फीचर की तरफ। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर चले आना है। तो यहाँ पर जब सेटिंग के ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएटर का। पहले आपके अकाउंट पर यह क्रिएटर का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, तो अब यहाँ पर जैसे ही आप प्रोफेशनल में स्विच करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएटर का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद आपको ऐड पेमेंट पर जाना है और यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके करंट बैलेंस कितना है और पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। यह सब मैं आगे आपको बताऊँगा अब क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट के जरिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। और इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने व्हाट्सएप पर जो है स्टेटस ज़रूर लगाएं ताकि सभी लोगों का हेल्प हो पाए और सभी लोग अपना प्रोफेशनल अकाउंट में इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।